नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण। जहां देखो बर्फ ही बर्फ, पहाड़, पेड़ पौधे, सड़कें, सब कुछ सफेद बर्फ की मोटी चादर से ढक गया। ये नज़ारा जम्मू कश्मीर के डोडा का है, जहां सुबह सुबह हुई हिमपात के बाद खूबसूरत नज़ारा दिखा। बर्फबारी के बाद डोडा की पहाड़ियों की ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई, तो वहीं उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में बर्फबारी शुरू हो गई है। बद्रीनाथ मंदिर और ओली में बर्फबारी का खूबसूरत नज़ारा दिखा। पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी का नज़ारा देख सैलानियों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई और लोग बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ मंदिर में भी काफी बर्फबारी हो रही है और मंदिर पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। हालांकि बद्रीनाथ मंदिर दर्शन के लिए बंद है, लेकिन जो मुसाफिर यहां पहुंच रहे हैं वो यहां की ठंड और बर्फ का खूब एहसास कर रहे हैं। बर्फबारी शुरू होने के बाद राज्य के पर्यटन स्थलों ओली, चोपता, दुग्गल बिट्टा, बद्रीनाथ समेत ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान में गिरावट आई है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड एकदम से बढ़ गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।